केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति पर देश में बहस जारी है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने नई शिक्षा नीति पर सवाल उठाए हैं। शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा है कि इसे पहले संसद में बहस के लिए क्यों नहीं लाया गया। शशि थरूर ने यह भी कहा कि अचानक से कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान कैबिनेट में बैठक कर पास क्यों कर दिया गया। शशि थरूर ने कहा है कि ऐसा लगता है कि ये सरकार बिल्कुल भी भूल गई है कि देश में एक संसदीय प्रणाली है और उसका कुछ काम भी होता है। थरूर ने यह सवाल उठाए हैं कि नई शिक्षा नीति को लागू तो कर दिया गया है, लेकिन चुनौती इस बात की है कि उसे पूरा कैसे किया जाएगा। थरूर ने कहा कि कई बार वित्त मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय के बजट को लेकर असमर्थता जताई है। हालांकि थरूर ने कई बार यह भी कहा है कि नई शिक्षा नीति में कई बातें अच्छी हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे भी हैं जिनको लेकर चिंता की जा सकती है। शशि थरूर ने कहा कि उन्हें खुशी है कि सरकार ने शिक्षा नीति बदलने का फैसला किया, इसका इंतजार भी था, लेकिन अभी भी सवाल है कि जीडीपी का 6% बजट रखने का जो टारगेट है वो कैसे पूरा होगा, क्योंकि वित्त मंत्रालय ने लगातार शिक्षा मंत्रालय का बजट घटाया है। गौरतलब है कि मोदी सरकार की केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति 2019 को हरी झंडी दे दी है। यह 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगा। इसके तहत देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलावों को लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षाविदों और विशेषज्ञों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। उनमें से कई ने जहां इसे बहुप्रतीक्षित और महत्वपूर्ण सुधार बताया है, वहीं कुछ अन्य ने कहा है कि बारीकी से विश्लेषण पर ही इसके गुण दोष का पता चलेगा और उम्मीद जताई है कि जमीन पर इसे उतारा जाएगा। IIT दिल्ली के निदेशक रामगोपाल राव ने इसे नीति को भारत में उच्च शिक्षा के लिए मोरल क्षण करार दिया। अमेरिका में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और कृषि, गृह, अर्थशास्त्र, यांत्रिक, कला और अन्य पेशों के बारे में शिक्षित करने के लिए 1862 में मोरल अधिनियम पारित किया गया था। उन्होंने कहा कि सभी मंत्रालयों की सहभागिता से राष्ट्रीय शोध कोष के सृजन से हमारा अनुसंधान प्रभावी होगा और समाज में इसका असर दिखाई देगा। IIM संभलपुर के निदेशक महादेव जायसवाल ने कहा है कि 10+2 प्रणाली से 5+3+3+4 प्रणाली की ओर बढ़ना अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक मानदंडों के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि हमारे IIM और IIT के ढांचे छोटे होने के कारण काफी प्रतिभा होने के बावजूद वे दुनिया के शीर्ष 100 संस्थानों की सूची में नहीं आ पाते। तकनीकी संस्थाओं के बहुविषयक बनने से IIM और IIT को मदद मिलेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दिनेश सिंह ने कहा कि यह नीति कौशल और ज्ञान के मिश्रण से स्वस्थ माहौल सृजित करेगी। उन्होंने कहा कि नीति में कुछ ऐसे सुधार हैं जिनकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। यह विभिन्न संकायों और विषयों के मेल का मार्ग प्रशस्त करेगी और इससे पठन पाठन और विचारों का वास्तविक दुनिया में उपयोग बढ़ेगा। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन की महानिदेशक रेखा सेठी ने कहा, नई शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में आपूर्ति और देश में उच्च शिक्षा के नियमन संबंधी जटिलताओं को दूर करेगी और सभी छात्रों के लिए समान अवसर प्रदान करेगी। COVID-19 के बाद के समय में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने का कदम महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।